डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का अगला एग्जाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन पेपर है 2020 में जो हुआ था, 2021 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ऑनलाइन हुआ था कोरोना की वजह से, तो लिखित एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो आप इंग्लिश में पेपर देख सकते हैं, हिंदी में मैं दिखाऊंगा इसे, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 50 नंबर का आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे आपके पास समय होगा। तो ऐसा नहीं कि आप लिखते जा रहे हैं, सोच समझ के लिखिए। क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे, उनके काफ़ी सारे पार्ट हैं, तो सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करने हैं आपको। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपने किया और 3 पेज भर दिए और अगले क्वेश्चन के लिए फिर आपके पास समय ही नहीं बचा। आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, भले ही एक एक पेज या आधे आधे पेज के लिखें, लेकिन सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, तभी जा करके आपके अच्छे नंबर बनेंगे। 1-2 क्वेश्चन के ऊपर मत रहें, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन करते जा रहे हैं 2.5 घंटे बीत गए। ये 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, 3 घंटे का नहीं है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। तो वहाँ निबंध प्रतियोगिता नहीं चलेगी, इसका ध्यान रखें। ये क्वेश्चन आप सारे देख सकते हैं, आप खुद ही समझ गए होंगे इतने सारे पार्ट हैं, कहाँ कहाँ तक आप करेंगे। तो बेहतर यही है कि कम शब्दों में अपने जवाब देने की कोशिश करें, भले ही बना करके लिख रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं है कि आप कर ना सके, देखें तो इसे पढ़ के, सब कुछ आसान है, सब कुछ पर्यावरण के बारे में, प्रदूषण के बारे में, सब कुछ बड़ा आसान है। अब हिंदी में आप देख सकते हैं इसे, जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, वो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। और अगर वीडियो तेज़ चली तो आप इसे पॉज कर सकते हैं, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि क्वेश्चन पेपर को आप मिलान कर सकें। आपके पास जो सोल्ड पेपर है, अनसोल्ड पेपर है, जो भी कुछ है, उससे आप मिलान कर सकें। तो आपके पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, गुड लक बोलता हूँ। भगवान करे आपका पेपर अच्छा जाए, आप पास हों। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।